सो यस फाइनली सी डी 2023 टू ट्वेंटी हो चुका है ये एक बहुत बड़ा एग्जाम जो हमें इतने दिन से पैनिक कर रहा था हम इसके लिए तैयारी कर रहे थे मिलके, फाइनली ओवर हो चुका है अब इसमें हमने किया क्या है उसका एनालिसिस करेंगे हम ठीक है एंड आई एम क्लेमिंग फोर्टी प्लस क्वेश्चन डिरेक्टली फ्रॉम दी जो हमने लास्ट एक महीने में यूट्यूब पर पढ़ा है और जो मैंने रिविजन बुकलेट्स आपको दी है ठीक है डिरेक्टली बोल रही हूँ इनड तो बहुत सारा होगा क्योंकि यस yes, हम जो पढ़ाई करते हैं ऑब्वियसली वो आएगा ही सिलेबस की ही हम पढ़ाई करते हैं ठीक है so, सो बाकी सारी चीजें इनडिरेक्टली लिंक्ड होंगी बट आई एम

मुझे भी तो आपको आंसरेबल होना पड़ेगा कि भाई मैंने क्या पढ़ाया और क्या आया सो आई विल बी आंसरेबल टू यू टुडे इज वेरी बिग डे फॉर मी सारा अच्छे से डिस्कस करते हैं कि पेपर था कैसा ठीक है अच्छा इंग्लिश की आंसर की ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुकी है टेलीग्राम डिफेंस मैं पे चेक कर लेना कि कितने आपके सही हो रहे हैं कितने आपके गलत हो रहे हैं आपका परफॉर्मेंस चेक हो जाएगा चलो शुरू करते हैं आ, पंचायत का क्वेश्चन पूछा हुआ था पंचायत की बात मैंने बुकलेट में भी बोली हुई थी और मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट लास्ट क्लास ली हुई थी 120 ट्वेंटी क्वेश्चन वाली उसमें भी बोल चुका था मैंने आपको है ना पंचायत का क्या क्वेश्चन था थोड़ा थोड़ा फटाफट चलते चलते जाऊंगी क्योंकि यू वॉन्ट टू चेक कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं और क्यों गलत है वो मैं साथ साथ में आपको बताते जाऊंगी ठीक है क्या रिजर्वेशन ऑफ एस सी इज अवेलेबल इन दैट हाँ बताया था ना मैंने एस सी पॉपुलेशन का है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन जितनी पॉपुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग उनका सीट रिजर्वेशन होगा पंचायत आर नॉट तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है नॉट ऑथोराइज टू कलेक्ट टैक्सेस ये गलत बात है पंचायत को अथॉरिटी दे चुकी है आ, स्टेट लेजिस्लेचर ने कि वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट सही होगा हमारा ये पहले से टिक है उस पर कंसिडर मत करना प्लीज़ ये किसी बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पेपर भेजा था तो पॉसिबली उन्होंने ये टिक किया होगा बट आई विल बी राइटिंग द करेक्ट ऑप्शन योर ठीक है नेक्स्ट ऑपरेशन सद्भावना याद करो मैंने एक टॉपिक पे थंबनेल बनाया था एफ वालों सी डी एस वालों जरूर पढ़ के जाना उस एफ के भी बहुत सारे क्वेश्चन उसमें आए थे अलग अलग शिफ्ट के एंड देन ऑपरेशन सद्भावना पूछा गया था ऑपरेशन सद्भावना है क्या यहाँ पे लिखा हुआ है आई गेस दैट विल आंसर इट इट इज अबाउट इंडियन आर्मी लद्दाख वाले जम्मू एंड कश्मीर वाले इलाके में जो भी टेररिस्ट इफेक्टेड लोग हैं उनकी हेल्प आउट करना चाहते हैं ठीक है ओनली वन विल बी द आंसर नेक्स्ट पासिस ये भी क्वेश्चन मैंने लास्ट 120 ट्वेंटी क्वेश्चन वाली क्लास मेरी दो जो क्लास लास्ट में हुई थी ना दैट नहीं तीन सॉरी 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 एक सबसे लास्ट में क्लास की थी मैंने 120 ट्वेंटी क्वेश्चन वाली उससे पहले मैंने की थी करंट अफेयर्स वाली और उससे पहले की थी साइंस वाली ये तीन क्लास से आई एम सीइंग द मैक्सिमम क्वेश्चन है ना एक्यूरेसी नॉट फ्रॉम द हिमालयन रीजन ये पूरा का पूरा चार्ट मैंने आपको दे रखा था है ना बोलान जो पास है वो आपके पाकिस्तान बलुचिस्तान की तरफ पड़ता है तो वो नहीं आएगा चलो ठीक है ये क्वेश्चन में अवार्ड्स एंड ऑनर्स में तो करा ही चुकी थी इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स में भी मैंने ये कराया था वापस ये सारी प्लेलिस्ट है ना मैं चलो नीचे डाल दूंगी आपको और बुकलेट जो सी डी एस की रिविजन बुकलेट थी उसका भी ऐप का लिंक मैं डाल दूंगी वो ऐप पे अवेलेबल है एक्चुअली तो ऐप का लिंक तो अगर आपको ऐसा लगता है कि क्रॉस चेक करना है मुझे यू कैन डू इट तो ये जो जॉर्जी गोस्ट गोसपोडिनॉफ इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइस मिला था फॉर हिज बुक टाइम शेल्टर ठीक है मैंने ट्रांसलेटर का भी नाम बता रखा था आपको नेक्स्ट करंट अफेयर्स ये जो मैंने कराए थे तीन ही एपिसोड कराए थे मैंने उसके बाद फुल फ्लेज बड़ी वाली मैराथन कराई थी है ना ये जो येलो स्टार वाला अवार्ड मिला था हमारी प्रेसिडेंट मुर्मू को वो कहा का हाईएस्ट अवार्ड था ऑनर था सूरीनाम का ठीक है सूरी का ओके okay, नेक्स्ट ये क्वेश्चन ने मुझे बहुत खुशी दी है ठीक है बहुत ज्यादा खुशी दी है मैंने क्यों क्योंकि ये डायरेक्ट मैंने ना ये क्वेश्चन साइंस वाली वीडियो में भी कराया था ये क्वेश्चन मैंने वन क्वेश्चन वाले वीडियो में भी कराया था और मैंने बार बार आ, सीडीएस बैच वाले बच्चों को भी बोला था कि भाई ये रिएक्शन जरूर करके जाना ये जरूर आएगा इसमें हो क्या रहा है इसमें हो ये रहा है आप कंफ्यूज इन दोनों के बीच में शायद हो रहे होंगे ये दो तो, तो आपको बहुत क्लियर होगा कि ये रिएक्ट नहीं करता होता क्या है सीएओ को वॉटर के साथ रिएक्ट करवाना पड़ता है तब जाके आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सीओ से पास करना पड़ता है और वो गैशियस सीओ टू होता है ठीक है तब जाके आपका सीए बनता है और वो व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल में काम आएगा तो डी वुड बी द आंसर है ना दिस क्वेश्चन हैड मेड सो 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 हैपी मतलब इंटरनली खुशी होती है ना कि यस हाँ, yes, कि यू डिड इट यस देन अ पर्सन कैन सी न्योर ऑब्जेक्ट्स मतलब ये न्योर साइटेडनेस की बात कर रहे हैं माओपिया की बात कर रहे हैं ये कॉमन सेंस लगाना था क्वेश्चन मैंने अगेन आपको ये दोनों वीडियोज में कराए हुए हैं ठीक है ट्वेंटी वन टॉपिक्स जो मैंने बोला था ना ट्वेंटी वन टॉपिक्स फॉर सी डी एस एंड सी ए पी एफ उसमें भी ये मैंने करवाया हुआ था ठीक है तो ये बात क्या कर रहे हैं जिसमें हम दूर का नहीं दे सकते पास का दे सकते हैं माओपिया नियर साइटेडनेस की बात कर रहे थे ये इसमें एक्चुअली होता क्या है इसमें होता ये है कि अलॉन्गेशन ऑफ आई बॉल हो जाता है और आपके आई लेंस का करवेचर बढ़ जाता है सी वुड बी द आंसर करेक्ट पूछा था वन एंड फोर ओनली हो जाएगा ठीक है इसलिए आपकी जो इमेज है रेटिना पे पड़नी चाहिए थी इसकी वजह सामने पड़ती है है ना तो उसके लिए हम कौन केव लेंस यूज करते हैं ताकि कि इमेज को खींच के पीछे रेटिना पे लाया जा सके ओके okay, नेक्स्ट था ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन ठीक है ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि भाई किन दोनों पैरामीटर्स के बीच में ग्राफ बन रहा है उसका आपको रिस्पेक्ट देखना था दिस इज डिस्टेंस अपॉन टाइम तो अब दिमाग लगाना था कि डिस्टेंस अपॉन टाइम है क्या दिस इज स्पीड है ना अब हमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना था स्पीड uh, कम से ज़्यादा जा, मतलब ज़्यादा से कम कब कम ऐसे करके लगाना था हमें है ना सो so, इसमें क्या होगा भाई अगर कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा तब जाकर स्पीड मानी जाएगी है ना तो अब आप देखो ज़्यादा डिस्टेंस कहाँ वो कवर हो रहा है मतलब ये हॉरिजोंटल पार्ट कितना सॉरी वर्टिकल पार्ट कितना ज्यादा कवर हो रहा है उससे कम ए में और उससे ज्यादा सी में सी में आप देख पाओगे टाइम वाला पैरामीटर ज्यादा लग रहा है डिस्टेंस वाला कम है तो यहाँ पे सबसे कम स्पीड होगी तो बी वुड बी द आंसर सबसे ज्यादा स्पीड बी में होगी उससे कम ए में और उससे भी कम सी में हो जाएगी है ना तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को डिराइव करना था दे ये ट्वेंटी वन टॉपिक्स में भी कराया था मैंने साइंस वाली वीडियो में भी कराया था कि पूरा साइंस रिवीजन एक जो हमने लाइव पढ़ा था ये मैंने 120 ट्वेंटी क्वेश्चन वाले वीडियो में भी कराया था क्योंकि ये फॉर श्योर sure है इससे पहले मैंने एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन वाली मतलब श्योर शॉर्ट टॉपिक्स वाली वीडियो बनाई थी अभी भी वो सारी टॉपिक यूट्यूब पे है आप जाके देख सकते हो मैंने आपको बोला था कनकेव मिरर एक कर लो उसके बेसिस पे सब समझाया था यहाँ पे याद आ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा रेडियस ऑफ करवेचर फिफ्टी सेंटीमीटर दिया है मतलब सेंडर से पोल का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है और ये पूछ रहे हैं कि इमेज कहाँ बनेगी अगर ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे है तो मतलब 25 सेंटीमीटर इज हाफ ऑफ 50 सेंटीमीटर मींस दे आर टॉकिंग अबाउट फोकस फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी ये पूछ रहे हैं अगर आप फोकस पे रखोगे तो इमेज कहाँ बनती है इन्फिनी पे बनती है बोला था ना यहाँ पे इन्फिनी पे बनती है ए वुड बी द आंसर ये बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि अगर आप पढ़ के गए होते तो बहुत आसान हो जाती चीज़ें ओके okay, चलो इफ मून इज ब्रॉड क्लोजर छोटा वाला जी ये भी शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक में है मैंने आपको बताया था कि छोटा जी का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत सारे अलग अलग टाइप के एग्जांपल भी कराए थे मैंने आपको बोल क्या रहे हैं अगर मून को अर्थ के पास लेकर आएंगे ओरिजिनल डिस्टेंस से इनका आ, डिस्टेंस हाफ हो जाएगा तो इनमें अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा बहुत आसानी से ये फॉर्मूला यूज करना था बहुत बार बताया है मैंने है ना आर स्क्वा अब ये जो आर स्क्वायर है वो हाफ हो जा रहा है Okay. भाई हमें यहां ध्यान रखना है कि ये स्क्वायर है स्क्वायर है तो ये जब बाहर निकलेगा बाई फोर आर हो जाएगा तो इसका मतलब आपका ये जो रेडियस वाला इनवर्स प्रोपोर्शनल वाली चीज है वो वन फोर्थ हो जा रही है तो आपको भी पता है जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम होगा और जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बढ़ेगा तो ये फोर टाइम्स हो जाएगा ठीक है अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल करके भी आपको दिखाए थे हर

कर देते हैं जब वो पास होते हैं सोनिक बूम कान खराब हो जाते हैं जो भी एयरपोर्ट के पास ज्यादा समय से रह रहा होता है वो होता कब है जब स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा स्पीड हो स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा स्पीड से वो प्लेन पास हो रहा होता है तब सोनिक बूम निकलती है ठीक है स्पीड ऑफ फ्लाइट से ज्यादा चलो ठीक है Which one of the following are correct symbol of gold, tin and lead? अब याद करो जो पिछली तीन वीडियो है कितनी बार मैंने मेटल्स के बारे में बात करी होगी कितनी बार मैंने पूरा चार्ट आपको दे दिया था मेटल्स नॉन मेटल्स का उसमें लिखा हुआ था गोल्ड क्या होता है एयू होता है टिन क्या होता है एस एन होता है लेड क्या होता है अब ये सुनने वाली बात थी जो मैंने लिखा है और मैं जो बोल रही हूँ लेड क्या होता है पी बी होता है सी वुड बी द आंसर है ना ठीक है ये ये साइंस वाला पोर्शन आई थिंक इजी है इजी मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने इसको बहुत बार मल्टीपल टाइम एक ही महीने के अंदर पढ़ाया था तो अगर आप पढ़ के गए हो तो साइंस तो बहुत ही ज्यादा इजी था ठीक है क्या? यस हिस्ट्री वाज डिफिकल्ट ट्रू एक्सेप्टेड लेकिन वो तो हर बार का है हिस्ट्री थोड़ी सी टेढ़ी आती है थोड़ा सा इसलिए क्योंकि हम उसे पढ़ते भी कम है बिकॉज ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ दी नेचर है ना अनप्रिडिक्टेबल होता है हिस्ट्री और इस बार टफ आया भी था बट साइंस वॉज ईजी आगे और क्वेश्चन देखते हैं तब जाके हम कट ऑफ फॉर्म कर पाएंगे है ना ठीक है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हालांकि कट ऑफ सिर्फ जीके पे डिपेंड तो नहीं करेगा मैथ्स और इंग्लिश का पेपर इक्वली मैटर करेगा पूरा कट ऑफ फॉर्मेशन में तो जीके का पोर्शन हम क्लियर करते हैं ओके okay.

वही प्रैक्टिकल नॉलेज लगानी थी नट काजू कहाँ मिलते हैं आपको आपने सुना होगा कि गोवा जा रहे हो काजू जरूर लेके आना ठीक है तो दिस इज नॉट हिमालयन काइंड ऑफ ट्री तो आपको इसी से ही ये आंसर मिल जाना चाहिए था वैसे भी बता दूं ओक मैपल रोडोडेंड्रॉन्स ब्रिज और लॉरन ये सारे हिमालयन रीजन्स में टेम्परेट हिमालयन रीजन्स में आपको मिलते हैं ठीक है तो मुझे भी ऑनेस्टली बताऊं तो I was not very sure about this answer but इसको अटेम्प्ट ही ऐसे करते हैं मैंने आपको वीडियोस में भी बीच बीच में बोला था आर्ट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस आपको अपना सारा दिमाग लगा देना है अभी तक आपकी जो जितनी भी बीस पच्चीस साल की उम्र है जितना पढ़ा है जितना ऑब्जर्व किया है जितना सुना है उससे भी आप अपना पेपर सॉल्व कर सकते हो जरूरी नहीं है कि आपने यू you नो know, सिर्फ पढ़ाई ही करी है वही आएगा दो चार क्वेश्चन आपकी कॉमन सेंस या ऑब्जर्वेशन से भी आ सकते हैं चलो ठीक है नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ये मैंने जब पॉलिटी की वीडियो पढ़ाई थी ना तब बहुत सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आपको नोट कराए थे 101 अमेंडमेंट इज अबाउट जीएसटी वन अमेंडमेंट वॉज अबाउट नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास वन हंड्रेड ट्वेंटी सेकेंड इज अगेन अबाउट जीएसटी एंड वन हंड्रेड थर्ड वॉज अबाउट वॉट दिस वॉज अबाउट इकोनॉमिकली वीक सेक्शन दिस वॉज दंड्रेड फोर्थ बताया था वन हंड्रेड बताया था बीच बीच में प्लॉलिटी वाली जो छह घंटे वाली वीडियो थी उसमें okay. 120 120 वाली जो वीडियो है उसमें से इट सेल्फ इतने सारे क्वेश्चन है ना इसलिए आई एम वेरी वेरी हैप्पी ठीक है फंडामेंटल राइट नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी अच्छे से बोला था यहाँ पे ये देखो क्या दिख रहा है आर्टिकल ट्वेंटी और ट्वेंटी वन कभी भी सस्पेंड नहीं होते आर्टिकल ट्वेंटी बहुत मैंने आपको पूरा फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया था याद है आपको मैंने बोला था कि भाई फंडामेंटल राइट्स तो पक्का ही पक्का आने हैं तो इसको मैं पूरा पढ़ा देती हूँ वन ट्वेंटी क्वेश्चन वाले में भाई प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफेंसेस इज आर्टिकल ट्वेंटी है ना रेमेडीज वाला आर्टिकल थर्टी टू था राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट दिन ऑफ इंडियाल ट्वेंटी और ट्वेंटी वन डज नॉट गेट सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी तो ए आंसर हो जाएगा इसका मैच द फॉलोइंग करना था शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड कंट्री के साथ ठीक है इसमें क्या आंसर होगा इसमें होगा देखो तामराई थाईलैंड ये मैंने पढ़ाया नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट बट मैंने याद इसको इस तरीके से कर रखा था कि भाई टी फॉर तामराइ टी फॉर थाईलैंड इस तरीके से ठीक है चेन्ना वॉस चेना वाला वो है ना थोड़ा सा फैमिली मैन वाली वाइब दे रही थी थोड़ा मतलब ये मैंने अपनी स्टोरीज बना के आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप इस तरीके से भी तैयारी कर सकते हो आई वॉन्ट टू नॉर्मलाइज़ दिस थिंग कि आप बहुत स्ट्रिक्ट होकर तैयारी करते हो ना वैसी भी ज़रूरत नहीं है यू कैन बी फनी एंड प्रिपेयर फॉर वेरी बिग एग्जाम है ना चेन्ना दिस इज़ फ्रॉम श्रीलंका ठीक है मैंने ये पढ़ाया नहीं था आई एम एक्सेप्टिंग इट बट मैंने खुद के लिए ऐसे याद किया हुआ है रोका फ्रॉम ब्राजील ब्राजील एंड मसोल मसोल जेरेगा थीके? जेरेगा ठीक है इसका आंसर क्या हो जाएगा डी इसका आंसर हो जाएगा चलो आगे बढ़ते हैं एनी क्वेश्चन परटेनिंग टू द डिस्कालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन इज डिसाइडेड बाई स्पीकर हर बार उसका क्वेश्चन आता है इस बार इस फॉर्म का क्वेश्चन आ गया स्पीकर ऑफ लोकसभा कहां दिख रहा है यहां पे पॉइंट दिख रहा है ये रिविजन बुकलेट है सी की जो मैंने ऐप पे डाली हुई थी ठीक है ओके okay. आगे बढ़ते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मिशन इंद्रधनुष लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2014 2014 का क्वेश्चन नहीं पूछा है ये वापस से करंट अफेयर्स में इंटेंस इंद्रधनुष स्कीम लॉन्च हुई थी इसलिए ये पूछा गया था ठीक है ये इंद्रधनुष स्कीम जो है दिस इज अबाउट इम्यूनाइजेशन कवरेज ऑफ चिल्ड्रन ठीक है बेसिकली इसमें प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रन का कवरेज करना चाह रहे थे बट यस दिस वुड बी द आंसर चल आगे बढ़ते हैं प्लैटियो और कॉन्टिनेंट के बीच में कौन सा करेक्टली मैच्ड है हमें ये बताना है देखो एप्सीसियन है ना दैट इज इन अफ्रीका ये सही बात है पेंटिगोनियन इज नॉट इन ऑस्ट्रेलिया पेंटिगोनियन आपका साउथ अमेरिका में है साउथ अमेरिका में एंटेनोलियन दिस इज वेयर एंटेनोलियन कहाँ पे है एंटेनोलियन इज इन एशिया ये बात सही है ठीक है और इबेरियन जो है इबेरियन आपका स्पेन में है इट इज इन यूरोप वाला एरिया नॉट इन नॉर्थ अमेरिका तो करेक्ट पूछा था हमसे वन और थ्री करेक्ट हो जाएगा तो बी वुड बी द आंसर ठीक है बी आंसर हो जाएगा नेक्स्ट विच वन आउ द फॉलोइंग क्लाउड्स के दो क्वेश्चन पूछे गए थे ठीक है दो क्वेश्चन क्लाउड से पूछे गए थे जो कि बहुत इजी से थे क्लाउड के क्वेश्चन लास्ट दो से पेपर से कंटिन्यूस पूछ रहे हैं है ना हमें क्या करना था लोएस्ट टू हाईएस्ट हाइट में डालना था यहां पे दिख रहा है आपको ये ये स्लाइड दिख रही है दिस इज अगेन फ्रॉम रिविजन बुकलेट में मैंने कराया हुआ था सबसे ऊपर आपका सिरस आ जाएगा सिरस सबसे ऊपर आ जाएगा तो आंसर आपका ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है ठीक है फिर स्ट्रेटस जो होता है यहां पे मैंने कहा है वो रेन ब्योरिंग क्लाउड होता है तो वो हैवी हो जाता है तो वो सबसे नीचे आ जाएगा ठीक है सबसे नीचे मतलब स्ट्रेटस टू नीचे तो डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा अल्टो मैंने कैसे करके समझाया था लाइव क्लास के अंदर अल्टो मतलब ये मिडिल क्लास लोग वाले ऑल्टो कार लेते हैं ना तो ये मिडिल क्लास मिडिल लेवल क्लाउड्स हो जाएंगे इस तरीके से मैंने ट्रिक से आपको याद कराया था आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो चलो ठीक है फिर इसमें हमें करेक्टली मैच कर

ओ भाई रेवोल्यूशन का क्वेश्चन पूछ लिया था पिंक रेवोल्यूशन पता है क्या है पिंक रेवोल्यूशन यहां पे आपको दिख रहा होगा पिंक रेवोल्यूशन इज अबाउट ओनियंस फार्मास्यूटिकल प्रॉन प्रोडक्शन श्रिम्प पता है क्या होता है ये फिश होता है ठीक है दिस इज फिश येलो येलो रेवोल्यूशन इट इज ऑयल सी बिल्कुल सही बात है ब्लैक रेवोल्यूशन वॉज अबाउट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और गोल्डन रेवोल्यूशन आपके किसके बारे में यहां पे देखो लिखा है गोल्डन रेवोल्यूशन इज अबाउट हॉर्टिकल्चर एंड नॉट दी एग प्रोडक्शन ठीक है तो इस तरीके से आपको ये आंसर आना चाहिए था तो आंसर क्या हो जाएगा टू थ्री आंसर हो जाएगा हमारा ठीक है फिर हमसे पूछा था कि इसमें से कंपाउंड कौन सा है कंपाउंड होता क्या है कंपाउंड ऐसी चीज होती है जो दो से चार एलिमेंट से मिलके बना हो है ना तो शुगर विल बी द राइट आंसर शुगर चलो ठीक है नेक्स्ट व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स ये इसका आंसर आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग मिल रहा होगा बट मोस्ट पॉसिबली इसका आंसर 94 है ठीक है 94 फोर okay, ओके चलो आगे बढ़ते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एसिड्स आर नॉट करेक्ट क्या बोलूँ मैं साइंस वाली वीडियो में भी कराया है 120 ट्वेंटी क्वेश्चन इन तीन वीडियोस पे तो यार मुझे क्या कॉन्फिडेंस है बहुत सही बात हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ होता है पेट में होता है ये बताया हुआ है ना बिल्कुल होता है पेट में मैंने तो ये भी बताया था कि पेट में कौन से सेल्स बनाते हैं ठीक है इन्होंने साइंस सच में इजी किया है या मैंने पढ़ा दिया इसलिए इजी लग रहा है आई डोंट नो एसिड एसिड विनेगर में में होता 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 है acid, होता है है बिल्कुल नहीं भाई हमने पट रखा है टोमेटो में होता है ऑग्जैलिक एसिड टर्मरिंट में हमारा टाट्रिक tart एसिड होता है यहाँ पे हमने देखा था तो नॉट करेक्ट ही पूछा है सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे और लेमन और ऑरेंज जूस में हमें अस्कॉर्बिक एसिड साइट्रिक एसिड मिलता है ठीक है या वॉटर गोज अप थ्रू जाइलम ये तो हमें पता है वो कौन सी प्रोसेस से ऊपर जाता है वो ट्रांसपरेशन पुल कोहेजन और एडेशन से जाता है ये बात बिल्कुल ठीक है चल नेक्स्ट सेल सेम साइंस वाली क्लास में भी कवर हुआ था 120 क्वेश्चन वाले क्लास में भी कवर हुआ था

ये वाला ही सही आंसर हो जाएगा चलो ठीक है सेल वॉल कहाँ नहीं होता भाई मैंने आपको पूरा एनिमल किंगडम का अच्छा सा चार्ट बना के रखा था ये इतना ब्यूटीफुल चार्ट मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा था और ज़्यादा क्या चाहिए था आपको सेल वॉल कहाँ नहीं होता सेल वॉल हर पहले चार किंगडम में है बस एनिमेलिया में ही नहीं है और एनिमेलिया का पूरा का पूरा चार्ट मैंने आपको दोनों क्लासेस में वन ट्वेंटी क्वेश्चन और साइंस वाली क्लास दोनों में दे रखा था तो भाई बैक्टेरिया तो हमारा नहीं होगा बैक्टीरिया में होता है सेल वॉल डाइएटम किस में आता है डायटम हमारा प्रोटेस्टा में आता है उसमें भी प्रेजेंट होता है मशरूम में भी प्रेजेंट होता है टेप वॉर्म हमारा एनिमल किंगडम में आता है याद है ना इसमें भी आपको टेप वॉर्म का एग्जाम्पल मिल जाएगा यहां पे प्लेटी हेलमेंथ में है ना एनिमल किंगडम में सेल वॉल नहीं होता ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर अब ये फूड uh, चेन वाला इकोसिस्टम आप इमेजिन कर सकते हो कि एनर्जी कहाँ से कहाँ फ्लो होती है न्यूट्रिएंट्स कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं तो एक बात जान लो नेचर में न्यूट्रिएंट्स तो रिसाइकल होते रहते हैं ठीक है वन फ्रॉम टू अनदर फ्रॉम लोअर फूड साइकिल अपर फूड साइकिल में जाती है और फिर वो अपर फूड साइकिल वाले एनिमल्स डेड हो जाते हैं ह्यूमंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और वापस से वहाँ पे आपकी न्यूट्रिएंट साइकिल चलने लगती है तो भाई हमारा न्यूट्रंट तो साइक्लिक होता है लेकिन एनर्जी हमारी यूनिक डरेक्शनल होती है बी आंसर हो जाएगा आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग मच बिकॉज आपको सिर्फ सही या गलत टिक करना है और थोड़ी सी रीजनिंग दे रही हूँ कि आपका क्यों सही है क्यों गलत है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैप्रोफाइट मैंने लास्ट क्लास में इसकी डेफिनेशन आपको बताई थी कि सैप्रोफाइड होता क्या है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड पे रिलाय करते हो उनका फूड बनाते हो है ना तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा राइजोपस राइजोपस विल बी द आंसर ठीक है ह्यूमन डेवलपमेंट के पिलर्स कौन से हैं ये आपका रिपोर्ट्स एंड इंडीज वाली वीडियो जो शायद आपने मिस कर दी अच्छा हिस्ट्री वाली वीडियो भी मस्त थी है ना ये आपने देखी ना ये वा, मस्त वाली वीडियो है एकदम वाली ये वाली हाँ ह्यूमन डेवलपमेंट पिलर्स की बात हो रही है इक्विटी ये सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्टिविटी यस सिक्योरिटी नहीं है इसके जगह अगर एम्पावरमेंट लिखा होता ना तो आंसर सही हो जाता करेक्ट ऑप्शन पूछा है वन टू थ्री करेक्ट होगा सी वुड बी आर गुड आंसर है ना चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट मार्केट सप्लाई फॉर अ गुड यार मैंने इकोनॉमिक्स की मैराथन जो बनाई थी ना मैंने है ना हर सब्जेक्ट की मैराथन बनाई है सिर्फ हिस्ट्री बचा हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट टू एंशंट और मिटाइबल मतलब ऑल इन ऑल सिर्फ हिस्ट्री का बचा हुआ है इसके अलावा इकोनॉमिक्स पॉलिटी साइंस के तीनों सब्जेक्ट्स इन सब पे मैंने मैराथन बना दी है तो भाई सी के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद आप उनको गो थ्रू जरूर करना बिफोर यू स्टार्ट योर प्रेपरेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगी आपको मैं हाँ तो हमसे पूछा था कि सप्लाई अगर बढ़ेगी तो क्या होगा क्या प्राइस इंक्रीज होगा बिल्कुल नहीं होगा अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में तो प्राइस घट जाता है ठीक है प्राइस घट जाता है और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी आपके घट जाएंगे टू और थ्री आंसर होगा वन नहीं होगा ठीक है तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जा रहा है सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा नेक्स्ट कितनी बार बोला था मैंने सॉइल का क्वेश्चन हर बार सीरियस पूछता है एक बार करके जाना अब देखो देखना अच्छे से ध्यान से देखना क्या पूछ रहे हैं हमें सॉइल का टाइप पूछ रहे हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी गई है लार्ज प्रपोर्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम मैग्नेशियम अवेलेबल है ठीक है सोडियम और अल्कलीन प्रेजेंट है ओके दैट्स वाई इट इज इन बिल्कुल सही बात है दे स्ट्रक्चर रेंजेस फ्रॉम सैंडी टू लोमी ओके ठीक है ये भी समझ आ गया दे आर मोर वाइड स्प्रेड इन वेस्टर्न गुजरात डेल्टाज ऑफ ईस्टर्न कोस्ट एंड सुंदरबन एरियाज ऑफ वेस्ट बेंगाल क्या दिख रहा है आपको कौन सी है सलाइन सॉइल हो जाएगा इसका आंसर है ना सलाइन सॉइल हो जाएगा एवरीथिंग वाज रेडिली अवेलेबल फॉर यू लैंडफॉर्म्स बाय विंड इरोजन देखो जो सर्क होते हैं ना ये भी मतलब आप कोई भी बुक पढ़ने जाते हो उसमें बहुत बड़ा बड़ा लैंडफॉर्म्स दिया होता है जो याद रखना सच में मुश्किल हो जाता है इसलिए मैंने आपको पूरे अपने नोट्स के चार्ट बना के दिए हुए थे सर्क आपका ग्लेशियर से बनता है है ना स्टैक आपको वेव्स से मिलता है जो आपकी कोस्टल एरियाज में वेव होती है ज्यूगन और स्टैक ये मतलब ये आपका बेसिकली उसकी वजह से होता है मतलब ज्यूगन वुड बी द आंसर आपका चलो ठीक है यहां पे ज्यूगन आपको दिख रहा है यहां पे ये हां जी चलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इवेंट And yours is not correctly matched. तो directly यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो वर्ल्ड वाइड वेब है ना वो 1991 में ऑपरेशनल हुआ था नॉट इन 1995 तो यही गलत आंसर हो जाएगा हमारा ठीक है गुड चलो ठीक है नीति आयोग के बारे में पूछा है जो 2015 में शुरू हो गया था जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई थी इसके नीति आयोग में है कौन कौन प्राइम मिनिस्टर यस प्राइम मिनिस्टर है गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन हो जाएगा चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट ये बात बिल्कुल ठीक है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ ऑल यूनियन टेरेटरीज ये बात भी बिल्कुल सही है बट वहां पर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर जैसा कुछ भी नहीं है ठीक है प्राइम मिनिस्टर खुद एक सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं यह बात भी बिल्कुल ठीक है थ्री नहीं होना चाहिए कहीं पर भी हमारा वन टू थ्री वन टू फोर सही आंसर हो जाएगा ठीक है वन टू फोर बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग और आर यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इससे भी दो क्वेश्चन हैं एक ये वाला एक ये वाला ठीक है तो क्लाउड्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दो क्वेश्चंस पूछे गए थे यहां पे आप देख सकते हो वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कहां दिख रहा है यहां दिख रहा है आपको ये रिपोर्ट्स एंड रिपोर्ट में मैंने कराया हुआ था है ना तो एक्चुअली है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बहुत सारे मिशन और बहुत सारे काम हुए हैं रिसेंट में इसलिए मैंने बोला था सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ के जाना पीस जस्टिस एंड स्ट्रोंग इंस्टीट्यूशन दिख रहा है यहां दिख रहा है रुको कहां गया पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉग इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन है ये रहा तीनों आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आते हैं बी वुड बी द राइट आंसर और इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना था जीरो हंगर ये दिस इज द एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहां पे आपको जीरो हंगर दिख जाएगा रिड्यूस्ड अनएलॉयमेंट जैसी कोई चीज नहीं थी लाइफ बिलो वाटर था यहां पे आपको लाइफ बिलो वाटर ये रहा दिख जाएगा और रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन ये तो क्वेश्चन हमने यहीं पे देखा था तो बी इसका आंसर हो जाएगा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है बेरोजगारी को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ठीक है चलो यहां पे क्वेश्चन है कि जब हमें एडवांस ग्रांट मिल जाती है टेम्पररी और जो भी रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बिफोर द बिगनिंग ऑफ न्यू फिनेंशियल ईयर उसे क्या बोला जाता है मतलब आप इसे एडवांस लोन की तरह समझ सकते हो उसे वोट ऑन अकाउंट्स बोला जाता है ठीक है वोट ऑन अकाउंट्स बोला जाता है चलो नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज नॉट करेक्ट प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज नॉट करेक्ट तो भाई यहाँ पे योरिंग ऑफ एनिमल्स नहीं होता है ठीक है ये एनिमल हजबेंड्री में आता है एनिमल हजबेंड्री अब ये पेन चल जा ठीक है एनिमल हजबेंड्री ओके चलो नेक्स्ट विच द फॉलोइंग इज हाइएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका ये सीरीज को क्या हो गया ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है भाई ये तो बहुत ही ज्यादा पुराना क्वेश्चन है इट इज माउंट किली मंजारो ठीक है माउंट किली मंजारो अफ्रीका का हाइएस्ट माउंटेन एफकेट ऐसा क्वेश्चन कर, पूछा करता था पहले चलो ठीक है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी जीएसटी का क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है पिछले साल भी पूछा गया था और यही क्वेश्चन ऑप्शंस ऑब्वियसली अलग थे आई नो दैट बट क्वेश्चन सेम था कि जीएसटी के अंदर क्या नहीं आता जीएसटी के अंदर आपकी कस्टम ड्यूटी नहीं आती अभी भी ठीक है कस्टम ड्यूटी नहीं आती हांजी साइंस साइंस वॉज अमेजिंग विच इन विच ऑल द फॉलोइंग मीडिया स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम बताया था सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा लिक्विड में कम होगा गैस में कम होगा ये गैस है ये लिक्विड है ये भी काइंड kind ऑफ of, मतलब ग्लास में कम होता है स्टेनलेस स्टील में सबसे ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे सॉरी स्पीड ऑफ साउंड मतलब जहाँ पे ज्यादा डेंसिटी होगी ना वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगा स्टेनलेस स्टील में सबसे ज्यादा होगा ये सारे रिविजन बुकलेट्स का कमाल है भाई साहब ठीक है ओके फॉक के बारे में पूछा है ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है ये छोड़ने वाला क्वेश्चन था क्योंकि मे भी इतनी डिटेल आपको पता ना हो दिस इज यूपीएससी वो ऐसे क्वेश्चन बीच में डालता है आपका मोरल डाउन करने के लिए ताकि वो इसका नॉलेज सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं लेता यूपीएससी वो आपके पेशेंस ग्रिडिनेस लेवल का भी टेस्ट लेता है कि भाई आप कितने समझदार हो क्या छोड़ने वाले क्वेश्चन को आप छोड़ भी पाते हो या नहीं है ना तो भाई जो आपका रेडिएशन फ्रॉग होता है ना रेडिएशन फॉग इज रिलेटेड टू आपका सोलर रेडिएशन जब आपका निकलता है बारिश वाला इस रेडिएशन फॉग ठीक है तो ये बात गलत हो जाएगी आपकी एडवेक्शन एडवेक्शन फॉग क्या होता है ये बिल्कुल ठीक बात है एडवेक्शन फॉग यही होता है ठीक है तो वन और थ्री वुड बी द राइट आंसर आपका आंसर यहां पे सी हो जाएगा ठीक है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हां जी दिस वन दिस वॉज गुड यार ये भी मैंने वहीं पर रिविजन बुकलेट में दिया था बहुत बेसिक कॉमन सेंस का क्वेश्चन था इसमें कुछ भी नहीं फ्लैमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लग रहा था अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते ना इन्होंने क्या बोला है कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी है विलोसिटी भी है तो हमारा फोर्स मैक्सिमम कब होगा मतलब हमारा फोर्स किस तरीके किस तरफ जाएगा तो एक बेसिक सी बात लगानी थी फ्लैमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना था कि ये तीनों चीजें यहाँ पे क्या है मैं मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे फोर्स है और यहाँ पे आपका करंट फ्लो हो रहा है ये तीनों आपस में 90 डिग्री है ठीक है तो अगर हमें बोल रहे हैं कि आ, मतलब पूछ रहे हैं कि फोर्स मैक्सिमम कहाँ होगा तो फोर्स मैक्सिमम तभी होगा ना जब वी और बी विलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अपने आप से परपेंडिकुलर होंगे इनडायरेक्टली आपको यहाँ पे फ्लैमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पूछा गया था ओके विच वन आर द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट कल्टिवेटेड अंडर ड्राई लैंड फार्मिंग ये है ना नॉलेज का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है ये आपके जनरल लाइफ ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है ठीक है ड्राई लैंड फार्मिंग आपको समझ आ रहा है जहां पे पानी की कमी हो सकती है पानी की कमी राइट right? जवार रागी ग्राउंडनट सब कुछ पानी की कम मतलब कम पानी में उग सकता है बट शुगर केन रिक्वायर्स हेल लॉर्ड ऑफ वाटर ठीक है तो शुगर तो नहीं होगा ड्राई लैंड फार्मिंग में है ना शुगर नहीं हो सकता चलो आगे बढ़े हाँ जी आगे बढ़ते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ सेटलमेंट डेवलप अराउंड लेक लेक के अराउंड आपका कौन सी सेटलमेंट uh, आती है सर्क्यूलर सेटलमेंट आती है ठीक है सर्क्यूलर सेटलमेंट आती है ओके हाउ कैन रिसोर्सेज रिसोर्सिस क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ये बायोटिक ए बायोटिक ओरिजन में होते हैं ठीक है बायोटिक ए बायोटिक लिविंग नॉन लिविंग इस तरीके से आपका बेसिस ऑफ ओरिजिन से रिसोर्सेज को क्लासीफाई कर सकते हैं देन साइंस में ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई थी कि भाई पोटेंशियल एनर्जी आपकी हाईएस्ट टाइम पे मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे हाई होगी और जैसे ही आप नीचे आओगे काइनेटिक एनर्जी में आपकी कन्वर्जन होगा ठीक है तो भाई P और टी के पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है और आर के पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है और लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी है तो आप अपने पूरे स्टेटमेंट्स अगर पढ़ोगे तो पेंडुलम हैज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इन आर आएगा ठीक है समझ आ रही है बात चलो ठीक है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बाय द गवर्नमेंट वुड लीड टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई इन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन पैसे की कमी हो जाना मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर जाना पैसे को कहीं और डाइवर्ट कर देना इसका क्या होगा देखो यहाँ पे दो चीज के बारे में पूछा है ट्रेजरी बिल जिसको हम टी बिल भी कहते हैं और फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज इन दोनों का हमें काम करना था इन दोनों का काम करना था तो भाई एक बात समझो अगर गवर्नमेंट कमाती कैसे है इसमें भी आपको बेसिक दिमाग लगाना था अगर आपने इकोनॉमिक्स की पूरी वीडियो देखी है तो आप इकोनॉमिक्स कैसे चलती है इकोनॉमी कैसे चलती है वो समझ सकते थे गवर्नमेंट कमाती कैसे है वो टी बिल को सेल करती है तभी उसके पास पैसा आता है ठीक है तभी उसके पास पैसा आता है गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाना मतलब मार्केट के पास कमी हो जाना तो भाई इसका आंसर क्या होगा सेल ऑफ ट्रेजरी बिल जैसे जैसे वो गवर्नमेंट बोल ट्रेजरी बोल्ड को सेल करेगा वैसे वैसे अगर आप कोई चीज बेच रहे हो तो मैं आपको पैसे दूंगी ना तो मेरे पास तो पैसे की कमी हो गई तो ये तो टू तो आपका आंसर होगा ही होगा होगा ही अब टॉकिंग अबाउट फॉरेन 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 एक्सचेंज 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 में क्या एक्सचेंज में क्या क्या चीज होगी अगर आप अपना फॉरेन एक्सचेंज बेच दो अगर आप अपना फॉरन एक्सचेंज यहां पे बेच दोगे तो आपके आपके मतलब पैसा बाहर चला गया तो आपके डोमेस्टिक यूज के लिए अवेलेबल नहीं होगा ठीक है तो यहां पे ये आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग अच्छा ये सेम ही है दो बार कॉपी पेस्ट हो गया है कोई बात नहीं देन नैरो मनी के बारे में पूछा था नैरो मनी पता क्या होता है एम वन करके आपने इकोनॉमिक्स में इसको पढ़ा होगा नैरो मनी इज लिक्विडिटी भी कह सकते हो आप इसे पैसा अवेलेबल मतलब आपके फिजिकल फॉर्म में पैसा अवेलेबल तो भाई जितनी भी आपकी करेंसी होती है नोट्स हो गए कॉइन्स हो गए ये सारा आपका नैरो मनी में आता है तो वन तो आंसर होगा ही होगा तो इसे ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दोगे ठीक है डिमांड डिपॉजिट्स भी आपके नैरो मनी में आता है अदर डिपॉजिट विद आर बी आई इज ऑल्सो आपका नैरो मनी मतलब फिजिकल मनी को हम नैरो मनी में कैलकुलेट करेंगे ठीक है नैरो मनी में कैलकुलेट करेंगे बट डिपॉजिट इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हम नहीं कर सकते हैं दैट इज नॉट योर नैरो मनी है ना वो पीपल के लिए अवेलेबल नहीं होता ठीक है अब पूछा है कि अगर आपकी करेंसी डी वैल्यू हो जाए तो उससे क्या असर होगा उससे क्या असर होगा अगर आपकी करेंसी डी वैल्यू हो जाए बीच में ऐसा हुआ था है ना हमारी करेंसी बहुत ज़्यादा डी वैल्यू हो गई थी एज कंपैरिजन टू तो यूएस डॉलर नहीं निर्मला सीतारमन जी ने बोला था कि हमारी कंट कर, हमारी करेंसी डी वैल्यू नहीं हुई यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया है पता है इस पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी हाँ तब ये समझने वाला क्वेश्चन था कि भाई जब आप करेंसी को डी वैल्यू करते हो तो आप अपने देश में एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हो क्यों आप नेपाल से चीज़ें आराम से क्यों खरीद सकते हो क्योंकि वहाँ की करेंसी हमसे वीक है इसलिए हम वहाँ से चीज़ें ज़्यादा खरीद सकते हैं तो नेपाल के लिए तो वो एक्सपोर्ट हुआ ना नेपाल के लिए तो उसका डोमेस्टिक परचेज बढ़ गया तो इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट एंड डिक्रीज़ इन इम्पोर्ट होगा हम बाहर से चीज़ें नहीं खरीदेंगे क्योंकि बाहर की चीज़ तो महंगी है ना तो हम नहीं खरीदेंगे तो टू आंसर तो सही होगा ठीक है टू आंसर तो सही होगा तो ये गलत हो गया ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया ऑटोमेटिकली ये बात सही हो जाएगी हाँ और जैसे जैसे आप करेंसी को डीवैल्यू करते हो वैसे वैसे इन्फ्लीमेशन इन्फ्लेशन भी बढ़ता जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉरी इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा डिक्रीज लिखा है यहाँ पे बढ़ता जाएगा तो आ, टू और थ्री सही हो जाएंगे सी ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर मैं बताना यह चाह रही हूं कि आपको ये सोचना था तो आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे कि भाई गलती कहाँ हुई सोचने में ओके okay. याद आ रहा है साइंस की क्लास इतने अच्छे से एक्सप्लेन करी थी कि भाई रेरर से डेंसर मीडियम में जाओगे तो क्या होगा रेरर से डेंसर मीडियम में अगर जा रहे हो लाइट को जाना ऐसे चाहिए था बट बेंडिंग ऑफ लाइट होती है रेरर से डेंसर में अगर जाओगे तो आपकी लाइट टूवर्ड्स दी नॉर्मल डिफ्लेक्ट हो जाएगी और ऑब्वियसली आपकी लाइट स्लो डाउन भी हो जाएगी है ना रेयर टू डेंसर मीडियम में जाओगे स्लो डाउन हो जाएगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंट हो जाएगी ए वुड बी द आंसर या बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज आई एम रियली वेरी हैप्पी अगर आपने सच में पढ़ा है ना आपका जी के तो पार है है ना? इंग्लिश के आंसर की मैंने टेलीग्राम पे दे दी है, क्रॉस चेक कर लेना ओके, डायरेक्ट हमसे पूछा था, डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फारेनहाइट कन्वर्जन होता है डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला इन्होंने हमसे पूछ लिया है ओके okay, कोई बात नेक्स्ट ऐसा uh, कौन सा इवेंट है जहाँ पे फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होगा दोनों देखो फ्रीजिंग ऑफ वाटर होगा ना तो उसमें बस फिजिकल चेंज होगा लिक्विड टू सॉलिड उसमें कोई केमिकल चेंज आपको देखने को में नहीं मिलेगा कुकिंग ऑफ फूड में भी अगर आप देखो ना तो मे बी आपका फिजिकल चेंज ही देखेगा और रस्टिंग ऑफ आयरन में सिर्फ केमिकल चेंजेस होते हैं आपके बोर्निंग ऑफ कैंडल में आपका दोनों चेंज एविडेंट होता है ठीक है नेक्स्ट फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डायमंड्रेफाइट ओके ठीक है डायमंड एंड ग्रेफाइट कीमिकल प्रॉपर्टीज होती है नहीं दोनों एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन होते हैं दोनों एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन होते हैं भाई आ, टीम ब्लैक वाले बच्चे सीरीज बाच वाले बच्चे याद करो कार्बन की स्लाइड में मैंने एलोट्रोप्स कराया था दोनों सिमुलर नहीं होते डायमंड हार्ड होता है ग्रेफाइट ग्रेफाइट होता है यह बात बिल्कुल ठीक है यह बात क्यों गलत है बताऊं ग्रेफाइट इज एक्सलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो यह बात इसलिए गलत है ठीक है और सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं होता भाई इन दोनों का स्ट्रक्चर्स में डिफरेंसेस होते हैं तो बी यहां पे सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रेजेंट होता है वीनस वीनस और मार्स में में बहुत ज्यादा तो बहुत ही ज्यादा तभी यह हॉटेस्ट प्लान बनाता है है ना बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसमें 95 टू 97 परसेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल जाता है ओके नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड टीम ब्लैक वाले बच्चों सीएपीएफ के क्वेश्चन कराए थे मैंने आपको बोला था सीएपीएफ का पेपर इन्फ्लुएंस बहुत सारा आपका सी डी एस टू वाले पेपर में देखने को मिलता है वहां पे मैंने आपको सेपरेशन टेक्निक्स बताई थी डिस्टिलेशन से आप ये कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट अलग कर सकते हो सी ए पी एफ में भी लगभग सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था जिन्होंने भी दिया होगा उनको पता होगा है ना इसके बाद हमें ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना था है ना यहाँ पे थ्री एफ ई है तो हमें यहाँ पे भी थ्री लगाना पड़ेगा यहाँ पे चार ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी चार ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा और यहाँ पे अब चार लगाने की वजह से चार दो आठ हाइड्रोजन हो गए हैं तो यहाँ पे हमें दो तो ऑलरेडी है यहाँ पे चार लगाना पड़ेगा दैट मीन्स सी वुड बी द राइट ऑप्शन नेक्स्ट फाइलोटैक्सी क्या होता है फाइलोटैक्सी होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स

हाँ जी उसे न्यूक्लियोइड बोला जाता है ठीक है देन मतलब अब सीरियस ने सच में साइंस में क्या किया है मतलब खुशी हो रही है सच में कि हमने सारी चीज़ें एग्जैक्ट पढ़ी हैं देखो डायग्रामेटिकली भी हमने पढ़ा है है ना इसका आंसर क्या होगा ये भाई क्या है आपका एक बहुत अच्छी बात मैंने बोली थी कि एनिमल सेल के कंपैरिजन में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है प्लांट सेल में क्योंकि उनका एक्चुअली स्टोरेज का काम ज्यादा होता है तो पांच तो हमारा क्या हो जाएगा न्यू uh, वैक्यूल हो जाएगा है ना पांच आपका वैक्यूल हो जाएगा तो यहाँ पे चेक करो भाई पांच क्या है उसी एलिमिनेट हो जाएगा टाइम बच रहा होगा आपका है ना आपका वैक्यूल होना चाहिए सिर्फ इसी में आंसर है है ना वन इज वॉट आपका सेल वॉल है सेल मेम्ब्रेन है ये इस तरीके से इस तरीके से क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो आपका न्यूक्लियर पोर से निकल रहा होता है ये न्यूक्लियस है आपका ठीक है और ये आपका वैक्यूल बन जाएगा इट वॉज इजी ओके इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में हमसे पूछा है कि इसका नॉट करेक्ट कौन सा है द बिल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज इंट्रोड्यूसड इन पार्लियामेंट ऑन 4 जुलाई ये बात भी ठीक है और रॉयल असेंट 18 जुलाई को मिला था ये बात भी ठीक है ठीक है उसके अलावा 1947 आउट द बेसिक फ्रेमवर्क ये मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट लेकिन आगे बढ़ते हैं द एक्ट प्रोवाइडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टू इंडिपेंडेंट ये इन्होंने पार्टिशन की बात करी थी दो, दो आपके डोमिनियन रिपब्लिक नहीं डोमिनियन याद रखना है ना इंडिया और पाकिस्तान को डोमिनियन बनाया था ये भी बात ठीक है ये भी बात ठीक है द एक्ट एम्पावर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ ईच डोमिनियन टू हैव अनलिमिटेड पावर टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन येस इंडिया पाकिस्तान दोनों को बोला था आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हो आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकते हो ये बात बिल्कुल ठीक है ऑटोमेटिकली ये आपका गलत हो जाता है ठीक है नेक्स्ट इंटरनेशनल योगा देगी थीम मतलब चार सालों की पूछी गई थी एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें इस साल की और मैक्स टू मैक्स लास्ट साल की याद होगी इस साल का नाइन्थ एडिशन था ये आपको कराया हुआ था मैंने वासुदेव कुटुंबकम ये बात क्लियर है करंट अफेयर्स में याद करो बोला था ट्वेंटी जून ट्वेंटी जून से तो हम समोर सोलिस्टिस में भी पहुंच गए थे है ना याद करो लॉन्गेस्ट डे ओके okay. वासुदेव कुटुंबकम डी का आंसर तो थ्री होगा तो मतलब ये भी ऑप्शन आंसर हो सकता है ये भी हो सकता है अब लास्ट साल का था एथ एडिशन वो मुझे याद है क्योंकि लास्ट टाइम भी हम प्रिपेयर तो कर ही रहे थे योगा फॉर ह्यूमैनिटी है ना सी का आंसर थ्री हो जाएगा सी का आंसर सॉरी सी का आंसर फोर हो जाएगा सी का आंसर फोर तो बी वुड बी आर आंसर है ना बी वुड बी आर आंसर नेक्स्ट ये नाम से पता चल रहा है इट इज अबाउट इंडिया ब्राजील और साउथ अमेर साउथ अफ्रीका सॉरी ये आंसर हो जाएगा बहुत बच्चों ने यहां पे गलती कर दी है बांग्लादेश को टिक कर दिया इट इज नॉट बांग्लादेश इट इज ब्राजील ठीक है ओके हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव सीमेंट्री दिस वॉज इन न्यूज क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ गए हुए थे कैरो कैरो के बारे में हमने वो मॉस्क भी किया था जहाँ पे उन्होंने विजिट किया था है ना और इनके बारे में हमने एक पिरामिड के बारे में भी गीजा वाला पिरामिड भी डिस्कस किया था ये रह गया था चलो कोई बात नहीं ये भी कैरो में है लेकिन ओके हुआ wow, ये मैंने कराया था करंट अफेयर्स वाले में फर्स्ट मैंने इसमें दोनों चीज़ कराई थी है ना कि अंडर वाटर मेट्रो भी है और वाटर मेट्रो भी है तो दोनों में वाटर मेट्रो तो कोची वाली हो जाएगी अंडर वाटर मेट्रो मैंने आपको uh, कोलकाता में बोली थी हुगली में ठीक है हुगली आंसर हो जाएगा इसका याद करो और स्टार भी लगाया था स्टार की ये क्वेश्चन आ सकता है याद करो वापस से आप वीडियो देख सकते हो सेम लाइंस पे बोला हुआ है ठीक है साफ़ साफ़ चैम्पियनशिप में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है आठ मेंबर्स होते हैं साउथ एशियन आपके कंट्रीज़ के होते हैं ठीक है इंडिया होता है कुवैत होता है क्योंकि इंडिया जीता था कुवैत को हरा कर जीता था तो भाई कुवैत और वो तो ठीक है लेकिन श्रीलंका इज नॉट दी पार्ट तो श्रीलंका जहां जहां है वो आंसर को कैंसिल कर दो ठीक है अब इन दोनों की बात करें तो म्यांमार वाज नॉट कुवैत और पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ साफ चैंपियनशिप ठीक है तो बी आंसर हो जाएगा नेक्स्ट बटरफ्लाई स्पीशीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इसका आंसर ब्लू पैंसी है ठीक है ब्लू पैंसी ओके नेक्स्ट विच कंपनी ऑपरेटेड टाइटन सबमर्सिबल मतलब ये टाइटन सबमर्सिबल के बारे में इन्होंने वो, आप, वो दिया है कि वो टाइटेनिक को देखने जा रहे थे और उनका इंप्लोजन हो चुका था वो कौन सी से बिलोंग करता है करंट अफेयर्स में कराया था भाई साहब है ना याद करो कौन से है ओशिन गेट एक्सपीडिशन यहाँ पे देखो ओशीन गेट एक्सपीडिशन ओके इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल कौन सा है इट इज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल याद रहेगा वेरी नाइस पद्म विभूषण कौन सी कैटेगरी में किसको मिला हुआ है दिलीप महाना लोबिस्ट जो है वो पेडियाट्रिशियन है बच्चों के डॉक्टर हैं मेडिसिन में इन्होंने ये पद्म अवार्ड जीता है सुधा मूर्ति आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में इनकी रील्स और शॉर्ट्स भी आप देख रहे होंगे है ना सुधा मूर्ति को सोशल वर्क में मिला हुआ है आई गेस यस सोशल वर्क में मिला हुआ है एस एम कृष्णा को पब्लिक अफेयर्स में और भाईरापा को लिटरेचर एंड एजुकेशन में मिला हुआ है तो क्या आंसर लग रहा है आपको फोर ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है सुधा मूर्ति को थ्री में मिला है तो ए वुड बी द आंसर है ना चलो ठीक है आगे ओ ये वीडियो को आज ही जाके खोलोगे अभी जाके खोलोगे मैंने क्या बोला था सीडीएस को नॉर्थ ईस्ट बहुत पसंद है सीडीएस को क्या पूरे यूपीएससी को नॉर्थ ईस्ट बहुत पसंद है और वो इससे क्वेश्चन हमेशा पूछता है हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है एक और मैंने यहाँ पे आपको चार्ट दे रखा था जिसमें मैंने सारे फेस्टिवल्स मिसलेनियस फेस्टिवल्स करा के रखे थे ये मार्क वो कराए हैं जो करंट अफेयर्स में मैंशन थे और जो स्टैटिक जीके वाले थे उसमें मैंने आपको टेबल दिया हुआ था पीडीएफ जाके भी देख सकते हो आप हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका नागालैंड का है चपचार कूट ये तो मुझे याद है कि इसमें मैंने प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ करी थी चपचार कूट आपका मिजोरम में है नागरिक का डांस कहाँ का है नागरेक डांस आपका है मेघालय का और सागा दावा आपका सिक्किम का है ओके सी आंसर हो जाएगा ओके नेक्स्ट परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी कौन नहीं है टीम ब्लैक वाले बोला था सीएपीएफ में क्वेश्चन पूछा था कि यूएनएससी की लैंग्वेज कौन सी है तभी मैंने बोला था कि भाई यूएन है तो मे बी सी डी एस यूएनएससी का कोई और क्वेश्चन पूछ लेगा तो यहाँ पे परमानेंट मेंबरशिप के बारे में क्वेश्चन पूछा है तो भाई यूएस भी है यूके भी है चाइना भी है फ्रांस भी है जापान नहीं है ठीक है जापान आपका ये क्या हो गया जापान नहीं है ओके okay? चलो ठीक है आगे बढ़ती है कंसिडर दबाउट प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम क्या मर्क्यूरी पे कोई एटमोसफियर नहीं है क्या वीनस के पास दो मूनस हैं क्या जुपिटर के पास कोई लैंड नहीं है क्या सैटर्न की जो रिंग्स हैं वो लम्स ऑफ आइज और डस्ट से बनी हैं हाँ जी इसके पास नहीं है क्योंकि इसके पास ग्रेविटी भी बहुत कम है और मतलब इसके पास उतना वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है कि वो पूरी लेयर को होल्ड अप कर पाए वीनस के पास कोई भी मून नहीं है तो सेकेंड तो गलत हो जाएगा सेकेंड को गलत कर दो सेकेंड को गलत कर दिया अब हमारे पास ये ऑप्शन है ये ऑप्शन है लेकिन फर्स्ट वाला तो सही है तो फर्स्ट वाला तो इंक्लूड होना ही चाहिए इस तरीके से आप एलिमिनेशन से ये चीज़ लगा सकते हो डी आंसर हो जाएगा इसका नेक्स्ट एस फोर हंड्रेड टाइम ट्राइम एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ है ये बहुत साल से ये क्वेश्चन दिख रहा है पता है अलग अलग एग्जाम में ये रशिया से बिलोंग करता है डिफेंस वाली बुकलेट में दिया हुआ था ओके okay. अभिनव बिंद्रा ने जो गोल्ड मेडल जीता था वो कहां से जीता था यस yes, ये थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन था कि भाई ये तो है ना इन्होंने आ, बीजिंग में जीता था इन्होंने किस में जीता था एयर राइफल में ठीक है तो ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन था बट ठीक है आ, टेन मीटर एयर राइफल बीजिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ठीक है चीता जो इंडिया में आए थे अफ्रीका से तो चीता जो नाम है वो संस्कृत से लिया हुआ नाम है ठीक है संस्कृत से लिया हुआ नाम है देन पिट वाइपर, पिट वाइपर एक स्नेक है ठीक है अरुणाचल प्रदेश का ये न्यूज था इसलिए ये इसमें है ठीक है अब आई गेस आपको है ना बहुत जल्दी जल्दी वो चाहिए आंसर्स चाहिए तो एक काम करती हूँ लंबी वीडियो हो गई है आई गेस तो मैं टेलीग्राम पे जो भी क्योंकि इसके बाद ज़्यादातर आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको दिक्कत होगी तो फालतू तो उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आप डायरेक्टली अपने आंसर्स चेक कर लेना अभी टेलीग्राम पर मैं आ, इसके आंसर की डाल देती हूँ इंग्लिश की इज़ ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द टेलीग्राम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पर डाल देती हूँ बट आई एम हैप्पी अब मुझे आप बताओ कि आपका पेपर कैसा गया कैसा गया आपका पेपर क्या लगता है कितना स्कोर कर पाओगे कितने पॉजिटिव हुए कितने नेगेटिव हुए आपके ठीक है आ, कुछ कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं वो बस खासकर ज़्यादातर हिस्ट्री से हैं हिस्ट्री से पेपर वाज लिटिल टफ बट ये वाला पोर्शन वाज गुड करेंट अफेयर्स वाज आल्सो गुड मतलब इजी था मॉडरेट था इजी नहीं कह सकते बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है इसके जैसे जो कि हमने नहीं पढ़े थे बट बहुत सारे हमने साइंस तो पूरा का पूरा पढ़ा हुआ है है ना तो साइंस में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी पॉलिटी में कोई दिक्कत नहीं थी ज्योग्रफी वॉज ईजी मतलब पिछले बार से जोग्रफी वॉज ईजी हिस्ट्री वॉज नो डाउट डिफिकल्ट और इकोनॉमिक्स भी थोड़ा सा हायर एंड पे था मुझे ऐसा लगा इकोनॉमिक्स भी थोड़ा हायर एंड पे था टेल मी हाउ वॉज़ योर पेपर जो भी दिक्कतें हैं बीच में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया है टेलीग्राम भी दिया है तो आप खुल के बात कर सकते हो ठीक है कि क्या प्रॉब्लम है आगे कैसे प्रिपेयर करेंगे कैसे नहीं करेंगे ठीक है एंड आई हैव सरप्राइजेज फॉर यू एक दो दिन में वो आपको मैं बता दूँगी रेस्ट आई विल बी अपलोडिंग कट ऑफ का वीडियो वेरी वेरी सुन आफ्टर एनालाइजिंग इंग्लिश का पेपर एंड मैथ्स का पेपर तब ही जाके आपका कट ऑफ बन सकता है बट ये yes, आप कट uh, ऑफ बहुत हाईली इस पर भी डिपेंड करता है कि सबका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा गया है सबका परफॉर्मेंस मतलब मेजोरिटी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो कट ऑफ हाई हो जाएगी अगर मेजोरिटी का low, मतलब परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ मैथ्स एंड इंग्लिश तो आपकी कट ऑफ डाउन भी हो सकती है तो आई वॉन्ट योर ओपिनियन आपके ओपिनियन के बाद ही आई कैन मेक कट ऑफ की वीडियो ठीक है सिर्फ पेपर के लेवल पे नहीं ओवरऑल परफॉर्मेंस पे भी चीजें मैटर कर सकती हैं कि मास परफॉर्मेंस कैसा रह चुका है तो या आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू आपके सपोर्ट से आई कुड हेल्प यू आउट आई कुड मेक द ब्यूटिफुल वीडियोज और ये यहाँ पे नहीं रुकने वाला है विल स्टिल गेट अ हिट अभी आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ द फाइनल बिग डे इज़ ओवर एंड यस पेपर चाहे कैसा भी गया हो मायूस नहीं होना है ठीक है एंड इज नॉट एंड हमेशा मैंने आपको बोला है चीजों को सीखना है देखो सैड होने में जितना टाइम वेस्ट करोगे उतना आपका लॉस है देर इज ऑलवेज समथिंग गुड आफ्टर अ एंड आफ्टर एंड ठीक है तो आप जितना सैड होने में टाइम लगाओगे ना उतना आपका नुकसान होगा जितना जल्दी ये सैड पीरियड से ऊपर आ जाओगे एंड नेक्स्ट सोचोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा रेस्ट में आपकी कैसे मदद कर सकती हूं डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन और थोड़ा सा अप्रिसिएट भी कर देना यार या। बहुत, बहुत, तो या। बहुत मेहनत करी है बहुत रातें जागी हैं आई वॉन्ट योर सजेशन ऑन हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ आई सी यू गाइज विद कट ऑफ वीडियो गुड बाय एंड जय हिंद